नगर में सुबह 6:30 बजे मुझे सूचना मिली कि डबल मर्डर हुआ है और तीसरा जो है एक सस्पेक्टेड है जो कि घायल है। पति जो था वो घायल अवस्था में अस्पताल में उपचाररत था और महिला की मृत्यु हुई है और उसके बच्चे की। तो जब जाके देखा तो पता चला कि महिला और बच्चा दोनों को स्ट्रैंगुलेट किया गया है, रस्सी से बेसिकली गला दबाया गया था और बच्चा सोती हुई अवस्था में ही था। महिला ज़मीन पर पड़ी मिली और पेट पे भी उसके एक चोट चिन्ह पाया गया है। तो प्रथम दृष्टया में मामला डबल मर्डर और हत्या का है। 6:30 बजे जब ये सूचना इसके पति को मतलब जो खेत मालिक है उसको मिली थी, तो एक खेत मालिक ने पुलिस को सूचना दी थी। जब ये खेत मालिक ने जब इसको देखा पति को तो ये घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। इसका कहना है कि रात को 1 बजे कुछ लोग आए, 4-5 लोग आए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, पत्नी द्वारा दरवाज़ा खोला गया, उसके बाद उसको पत्नी को स्ट्रैंगुलेट किया और बच्चे को किया और मुझे ले जाके खेत में पटक दिया। तो मैंने मरने की एक्टिंग की और मैं उनके सामने बेहोश हो गया, तो उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ के छोड़ के मेरा मोबाइल लेकर और सिम मेरे जेब में डालकर चले गए। और जब रात को 1 बजे देखा और बोले तब तक मैं सुबह तक बेहोश रहा और उसने मतलब थोड़ा सा उसकी स्थिति संदिग्ध दिखाई दे रही है। दूसरा ये है कि घटना को 6 से 8 घंटे हो चुके थे, महिला के शरीर पर आइगर मॉन्टिस आ चुकी थी, तो उससे ये लग रहा है कि 8 घंटे से 12 घंटे पुरानी घटना हो सकती है। बाकी जांच की जा रही है, सारी गतिविधियों को देखा जा रहा है, क्या सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे लगे हैं घर के तो वो भी देखे जा रहे हैं कि कहीं उससे कुछ और चीज़ मिलती है या नहीं, जांच की जा रही है। धन्यवाद। पति द्वारा बताया जा रहा है कि 4-5 लोग थे, देवझर नाम की जगह कोई है वहाँ के थे, लेकिन अब ये कितना सच है कितना झूठ है इसकी पड़ताल की जा रही है। धन्यवाद।